वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिपरेटिव सिस्टम। रिपरेटिव सिस्टम में अपन ने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? प्रीवियस लेक्चर में अपन ने मेनोपॉज और ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो नया पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक बार इनको फिर से समराइज कर लेते हैं। मेनोपॉज, द मेनोपॉज यूजुअली अकर बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 55 ईयर। ये जो एज है, ये जो मेनोपॉज की जो कंडीशन है वो कौन सी एज के अंदर आती है? 45 से 55 ईयर के अंदर आती है। मार्किंग द एंड ऑफ द चाइल्ड ब्रिंग पीरियड, जो जो चाइल्ड बियरिंग होने की जो लास्ट एज है वो क्या है? अपनी मेनोपॉज, उसके बाद आती है। इट मे अकर सडनली और ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर सम टाइम एज लॉन्ग एज 10 ईयर एंड इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन सेक्स हार्मोन लेवल। ये किसकी वजह से होता है? जो अपने हार्मोन जो हैं उनके अंदर चेंजेस आने की वजह से क्या है ये कंडीशन होती है। द ओवरीज ग्रेजुअली बिकम लेस रिप्रोडक्टिव टू एफ एस एच एंड एल एच एंड ओवुलेशन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर इवेंचुअली चीजिंग। सेवरल अदर फिनोमिना में अकर एट द सेम टाइम इंक्लूडिंग। नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म अनप्रिडिक्टेबल विजुअल डायलेशन विद द फ्लशिंग स्वीटिंग एंड पाल्पिटेशन कॉजिंग डिस्कम्फर्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉर्मल स्लीप पैटर्न। और क्या होता है? श्रिंकिंग ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में श्रिंकनेस आती है। एक्सेलरेटेड प्यूबिक हेयर बिकम स्पेर्स। एट्रोपी ऑफ द सेक्स हॉर्मोन। एपिसोड्स ऑफ द अनकैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर समटाइम अकर। इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस, ग्रेजुअल थिकनिंग ऑफ स्किन, स्किन थिक हो जाती है। लॉस ऑफ बोन मास, बोन्स का जो मास है उसका लॉस हो जाता है। सो इंक्रीज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। दैट पैरास्टैटिक पोस्ट मेनोपॉज वुमेन टू कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। जो पोस्ट मेनोपॉज जो वुमेन है उनके अंदर क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलर चेंजेस अकर आफ्टर बाइलेटरल इरिटेशन ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ओवरीज। और यही चेंजेस क्या है? कब आते हैं? सर्जिकल रिमूव हो जाता है किसमें? ओवरीज का। देन आफ्टर भी यही क्या है चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड्स। द ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड आर एसेसरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ब्रेस्ट और मेमरी है वो क्या है? एसेसरी ऑर्गन है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दे एग्जिस्ट ऑल्सो इन द मेल बट इज ओनली इन रुडिमेंटरी फॉर्म। मेल के अंदर होता है बट मेल के अंदर भी क्या है? ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं बट वो क्या है? एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। इन द फीमेल द ब्रेस्ट आर स्मॉल एंड इमेच्योर अंटिल प्यूबर्टी। फीमेल के अंदर क्या है? जो ब्रेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं। कब तक? प्यूबर्टी की एज तक। देर आफ्टर दे ग्रो एंड डेवलप टू देयर मेच्योर साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है? मेच्योर होते हैं कब? प्यूबर्टी की एज के अंदर क्या है? ये मेच्योर होते हैं और वहां किसकी प्रेजेंस में? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या है? ये ग्रोथ करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दीज हार्मोन स्टिमुलेट फर्दर ग्रोथ। प्रेगनेंसी के दौरान क्या है? ये हार्मोन है, ये फर्दर ग्रोथ करता है, स्टिमुलेट करता है। आफ्टर द बेबी इज बोर्न द हार्मोन प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेशन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क
आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्ट आफ्टर द बेबी, आफ्टर द बेबी इज बोर्न, बच्चे के पैदा होने के बाद द हार्मोन प्रोलेक्टिन, जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है कहाँ से आता है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को, एंड ऑक्सीटोक्सिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीटोक्सिन कहाँ से है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ हार्मोन इन, हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है किसको, मिल्क को, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ द निप्पल, किसके द्वारा, निप्पल को स्टिमुलेट करने के द्वारा, बाई सकिंग बेबी, जब बेबी निप्पल को सक करता है, बाई ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और ये किस प्रोसेस में होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की प्रोसेस से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, एडिपोज टिश्यू है, डक्ट और साइनस है, लैक्टिफेरस, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ब्रेस्ट में, लोबल्स ऑफ मैमली ग्लैंड, मैमली ग्लैंड्स के लोबल्स दिखाए गए हैं, इंटरनल थोरेक्सिक वेन दिखाया गया है, मेजर मसल्स दिखाई गई हैं, ये रिब्स होती हैं अपनी, ये इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये जो है ये है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, और ये सेरेटस एंटीरियर मसल्स होती है, ये क्या है अपने ब्रेस्ट जो है उसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है इस डायग्राम में। द मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू एंड फैटी टिश्यू, जो मेमरी ग्लैंड है वो किससे बनती है, फाइब्रस टिश्यू, ग्रेनुलर टिश्यू और फैटी टिश्यू से क्या है ये बनती है। ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20 लोब्स ऑफ द ग्रेनुलर टिश्यू, जो ब्रेस्ट है उसके अंदर क्या है, प्रत्येक ब्रेस्ट जो है वो क्या है, 20 लोब्स उसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेनुलर टिश्यू के प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब बीइंग मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ लोबल्स दैट रेडिएट अराउंड द निप्पल, द लोबल कंसिस्ट ऑफ ए क्लस्टर ऑफ एलवेई, जो लोबल्स हैं वो किससे बनते हैं, क्लस्टर ऑफ एलवेई से बनते हैं, विच ओपन इनटू द स्मॉल डक्ट, और क्या होते हैं, ओपन इनटू स्मॉल डक्ट, छोटे छोटे डक्ट में ओपन होते हैं, दीज अंटिल टू फॉर्म लार्ज एक्सक्रेटरी डक्ट कॉल्ड लैक्टोफेरस डक्ट, और जो लार्ज एक्सक्रेटरी डक्ट है उनको क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट अपन बोलते हैं, द लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट वेयर दे फॉर्म डायरेटेशन ऑफ रिसर्वर और मिल्क, लीडिंग फॉर्म ईच डायरेटेशन ऑफ लैक्टिफेरस साइनस इज ए नैरो डक्ट विच ओपन ऑन द सर्फेस एट द निप्पल, द फाइब्रस टिश्यू सपोर्ट द ग्रेनुलर टिश्यू एंड डक्ट एंड फैट कवर द सरफेस ऑफ द ग्रेनुलर एंड द फाउंड बिटवीन द लोब्स। क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड जो किससे बनती है,
जो मेमोरी ग्लैंड है वो कंसिस्ट होती है किससे, ग्रेनुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और फैटी टिश्यू, इन सब से मिलके क्या है जो अपनी मेमोरी ग्लैंड है वो बनती है। ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20 लोब्स, जो प्रत्येक जो ब्रेस्ट है, एक ब्रेस्ट जो है, प्रत्येक ब्रेस्ट जो है वो किससे बनता है, 20 लोबल्स होते हैं उसमें किसके, ग्रेनुलर टिश्यू के, और ईच लोब बीइंग मेड अप ए नंबर ऑफ लोबल्स दैट रेडिएट अराउंड द निप्पल। द लोबल्स कंसिस्ट ऑफ ए क्लस्टर ऑफ एलॉय, जो लोबल्स हैं वो किससे बनते हैं, क्लस्टर ऑफ एलॉय से बनते हैं, विच ओपन इनटू ए स्मॉल डक्ट विच ओपन इनटू द स्मॉल डक्ट एंड दीज अंटिल टू फॉर्म लार्ज एक्सक्रेटरी डक्ट कॉल्ड लैक्टिफेरस। अपन को क्या बोलते हैं, जो डक्ट है एक्सक्रेटरी डक्ट है और जो बड़ी डक्ट है उनको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। द लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट वेयर दे फॉर्म डाइलेटेशन ऑफ रिजर्वर ऑफ मिल्क leading from each dilatation of lactiferous sinus is a narrow duct which open on to the surface at the nipple. Fibrous tissue support the granular tissue, fibrous tissue jo kisko support karte hain, granular tissue and duct, and fat cover the surface of the gland and is found between the lobes. नेक्स्ट है निप्पल। दिस इज ए स्मॉल कॉन्क्लाइन इमेंस एट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट सराउंडिंग बाई ए पिगमेंट एरिया द एलॉय। ये क्या है, स्मॉल होती है, ठीक है, और सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट में क्या है, प्रेजेंट होती है, सराउंड बाई ए पिगमेंट आर द एरियोला। ऑन द सरफेस ऑफ द एरियोला आर न्यूमेरियस सीबेसियस ग्लैंड विच लुब्रिकेंट द निप्पल ड्यूरिंग लैक्टेशन। निप्पल जो है वो ब्रेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो क्या करती हैं, लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराती हैं किसको, निप्पल को, किसमें, जब बच्चा मिल्क को कंसीव करता है उस टाइम पे क्या है, ये लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई, द आर्टरियल ब्लड सप्लाई। आर्टरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है, द ब्रेस्ट आर सप्लाई विच ब्लड फ्रॉम द थोरेसिक ब्रांचेज ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एंड फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरी।
जो आर्टरी ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है, जो ब्रेस्ट को सप्लाई कौन करता है, आर सप्लाइड विद थोरेसिक ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी करती है एंड फ्रॉम द इंटरनल मेमरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरी। ये क्या है, जो ब्रेस्ट है उसको क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है वीनस ड्रेनेज, दिस डिस्क्राइब एन एनास्मेटिक सर्किल अराउंड द बेस ऑफ निप्पल फ्रॉम विच ब्रांच कैरी द वीनस ब्लड टू द सर्कमफेरेंस एंड एंड इन द एक्सिलरी एंड मेमरी वेन। मेमरी वेन है और जो एक्सिलरी वेन है वो क्या करती है, वीनस ड्रेनेज करती है। लिम्फ ड्रेनेज, दिस इज मेनली इन टू द एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स एंड नोड। लिम्फ में भी मे ड्रेन थ्रू द इंटरनल मेमरी नोड इफ द सुपरफिशियल रूट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड। किसके द्वारा होता है लिम्फ ड्रेनेज, इंटरनल मेमरी नोड जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे लिम्फ ड्रेन करते हैं। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई, द ब्रेस्ट आर सप्लाई बाई ब्रांचेस फ्रॉम द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स थोरेसिक नर्व विच कंटेन सिंपेथेटिक फाइबर। जो नर्व सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स थोरेसिक नर्व जो है वो क्या करती है, सिंपेथेटिक फाइबर होते हैं वो नर्व सप्लाई करते हैं। देर आर न्यूमेरियस सोमेटिक सेंसरी नर्व एंडिंग इन द ब्रेस्ट स्पेशली अराउंड द निप्पल। यहाँ पे क्या, सोमेटिक सेंसरी नर्व की जो एंडिंग होती है वो क्या किसको करती है, स्पेशली अराउंड द निप्पल। व्हेन दीज टच रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड बाय सकिंग, इंपल्स पास टू द हाइपोथैलेमस एंड फ्लो द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज प्रमोट द रिलीज ऑफ मिल्क। जब क्या है, टच होता है रिसेप्टर स्टिमुलेट बाय सकिंग, सकिंग के दौरान जब क्या है रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, इम्पल्स जाती है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास जाती है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, फ्लो द हार्मोन ऑक्सीटोसिन का क्या फ्लो होता है, और इंक्रीज प्रमोटिंग द रिलीज ऑफ मिल्क, और वहाँ पे क्या है जो मिल्क है उसको क्या है रिलीज करते हैं। फिर जो ब्रेस्ट है उनको नर्व सप्लाई कैसे होती है,
ब्रेस्ट आर सप्लाइड बाई ब्रांचेस फ्रॉम द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स थोरेसिक नर्व। जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स थोरेसिक नर्व है उनसे क्या है सिंपेथेटिक फाइबर जो है वो क्या करते हैं नर्व सप्लाई करते हैं। दीज आर न्यूमेरियस सोमेटिक सेंसरी नर्व। यहाँ पे क्या है सोमेटिक सेंसरी नर्व प्रेजेंट होते हैं एंडिंग इन द ब्रेस्ट। कहाँ पे जो ब्रेस्ट की एंडिंग है वहाँ पे स्पेशली अराउंड द निप्पल और कहाँ स्पेशली कहाँ पे जो निप्पल है उसके चारों ओर। वेन द टच रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड। जब क्या है जो अपने टच रिसेप्टर है वो क्या स्टिमुलेट होते हैं बाय सकिंग। किसके द्वारा सक करने के द्वारा इम्पल्स पास टू द हाइपोथैलेमस और क्या होगा मैसेज जाएगा किसके पास हाइपोथैलेमस के पास एंड द फ्लो ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोक्सिन इज इंक्रीज। और जो आपका ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है उसका फ्लो क्या है इंक्रीज होगा प्रमोटिंग द रिलीज ऑफ मिल्क। और क्या होगा फिर वो मिल्क को रिलीज करने के लिए क्या करेंगे प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। द मेमरी ग्लैंड आर ओनली एक्टिव ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी व्हेन दे प्रोडक्ट मिल्क लैक्टेशन। लैक्टेशन इज स्टिमुलेट बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन। द मेमरी ग्लैंड आर ओनली एक्टिव। मेमरी ग्लैंड है वो कब एक्टिव रहती है ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी व्हेन प्रोड्यूस मिल्क। और कब जब बच्चा जो है वो क्या है बर्थ करता है और उस बच्चे का जन्म होने के बाद व्हेन दे प्रोड्यूस मिल्क। और जब लैक्टेशन की एज फेज जो होती है उस दौरान क्या है ये एक्टिव रहते हैं। लैक्टेशन इज स्टिमुलेट बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन। लैक्टेशन जो है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसके द्वारा ही क्या है ये स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट जो अपना है वो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है फिनिश हो गया। उसमें जो लास्ट था वो क्या था अपना ब्रेस्ट था मेमरी ग्लैंड थी। अभी जो अपना नया टॉपिक है वो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल जननांग जो है वो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें क्या इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं कितने दो। कहां पे स्कोटम में दो एपिडर्मिस होते हैं दो डिफरेंट डक्ट होती हैं दो स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं
दो सिमिलर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, दो एक्जुलेटरी डक्ट होती हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक पेनिस होता है। ये क्या है? अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिलके बना है? इसके अंदर क्या है? दो टेस्टिस होते हैं, दो एपिडिडाइमिस होते हैं, दो डिफरेंट डक्ट होती हैं, दो स्पर्मेटिक कॉर्ड होते हैं, दो सिमिलर वेसल्स होती हैं, दो एक्जिलरी डक्ट होती हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक क्या होता है? पेनिस प्रेजेंट होता है। इन सब से मिलके क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बनता है। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में क्या है अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।